हमारे साथ G20 के मुख्य कोऑर्डिनेटर हर्ष श्रृंगला जी। सर, पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने आपकी टीम को बधाई दी है और कहा है कि ज्वाइंट जो सहमति बन पाई डिक्लेरेशन पर, उसमें कहीं ना कहीं टीम का श्रेय है। नहीं, बिल्कुल टीम टीम का इसमें काफ़ी मतलब एफर्ट्स हुए हैं, ना सिर्फ आज से पर 9 महीने पहले से ये तैयारी हुई है ये आउटकम के लिए। पर जैसे मैंने कहा, ये एफर्ट होल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ होल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, होल ऑफ नेशन एफर्ट है। इतना इतना मतलब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होस्ट करना, 220 मीटिंग 60 हमारे शहरों में, और ऐसा बड़ा समिट जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावी लीडर्स आए हैं नई दिल्ली में, उनका स्वागत इतनी अच्छी तरह करना, ये सरकार के सरकार तो किया है सरकार पर, इन इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके साथ सारा हमारे जो देश है, जन भागीदारी मोड से सभी का इसमें सहयोग है, समर्थन है, और इसके बिना नहीं हो सकता था। सर, 72 पॉइंट्स पे सहमति बनी, क्या उम्मीद थी इतनी पॉइंट्स पे सहमति बन पाएगी? तो हमारे साथ थे भारत सरकार के चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 हर्ष श्रृंगला जी, जिन्होंने ये बात खास तौर पर ETV भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही कि जिस तरह से उनके टीम एफर्ट्स थे, कल प्रधानमंत्री ने भी हर्ष श्रृंगला की टीम और बाकी फॉरेन सेक्रेटरीज की टीम को बधाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो इतनी अच्छी आम सहमति दिल्ली डिक्लेरेशन पर बन पाई है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मेहनत छिपी है। और इन तमाम बातों को लेकर हर्ष श्रृंगला ने भी इस बात से सहमति जताई है कि जो एफर्ट थी, टीम की एफर्ट थी, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, और ये दिल्ली डिक्लेरेशन जिस पर सहमति बन पाई, ये अपने आप में भारत के लिए आने वाले दिनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। ETV भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।